वेलकम टू ईशानी वीडियोस। इस बार की ऑनलाइन टीआरपी रेटिंग भी रिलीज कर दी गई है। थोड़ी लेट वीडियो से ही लेकिन आप सबके लिए बहुत बेहतरीन खबर लेकर आ गए हैं, जिसके अंदर आपके टॉप 10 कौन सी टीआरपी रेटिंग में कौन से नंबर पर आए हैं, कौन सा शो उसके बारे में आपको बताएंगे, और कौन सा शो अब हो चुका है बाहर ऑनलाइन टीआरपी रेटिंग से उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहे। सबसे पहले नंबर 1 पर आया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि सब टीवी का शो है और काफी ज्यादा बेहतरीन शो ये चल रहा है, ऑनलाइन काफी ज्यादा देखा जाता है। दूसरे नंबर पर आया है अनुपमा, जिसने यहां पर ऑनलाइन टीआरपी के साथ में टीवी टीआरपी रेटिंग में भी नंबर 2 की जगह बना के रखी है। तीसरे नंबर पर आया है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि थर्ड नंबर पर अपनी जगह बना चुका है। और उसके बाद में चौथे नंबर पर है आप सबका फेवरेट शो कुंडली भाग्य चौथे नंबर पर आया है और ये जी टीवी का शो है और आप सब तो देखते होंगे। वहीं उसके बाद में पांचवें नंबर पर आया है नागिन सीजन 5, ऑनलाइन टीआरपी रेटिंग में काफी ज्यादा बेहतरीन इसने टॉप 5 के अंदर जगह बना ली है। उसके बाद में सिक्स पोजीशन पर आया है ये रिश्ते हैं प्यार के, जो कि स्टार प्लस का शो है और आप सबके सामने बहुत जल्दी अफेयर होते दिखाई देगा। उसके बाद में सातवें नंबर पर आया है कलर्स टीवी का शो, जो कि है छोटी सरदारनी और इसने सातवां पोजीशन अपना हासिल किया है। उसके बाद में आठवें नंबर पर आ चुका है एक दूजे के वास्ते सीजन 2, जो कि अब सोनी लिव पर शिफ्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देखते तो देख सकते हैं सोनी लिव ऐप पर। उसके बाद में यहाँ पर अब आ चुका है द कपिल शर्मा शो, जो कि ऑनलाइन काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और आप सब यहाँ पर अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में भाभी जी घर पर है वो आया है 10th पोजीशन पर। तो ये थी यहाँ पर इस बार की ऑनलाइन टीआरपी रेटिंग। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, आप कौन से फेवरेट शो इनमें से सिलेक्ट करना चाहेंगे वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपके कौन से फेवरेट शो हैं वो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको बहुत जल्दी ही। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।